हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कढ़ी की रेसिपी एकदम अलग तरीके से, जो कि बहुत टेस्टी बनेगी, खाके बहुत मजा आएगा। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी वो भी लिखिएगा कि अच्छी क्यों नहीं लगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक बाउल, इसमें लिया है एक कटोरी बेसन, चना का बेसन है, और इसमें अब हम थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा चम्मच लिया है अजवाइन, अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, और थोड़ा सा हींग लिया है, एक चुटकी से थोड़ा ज्यादा हींग लिया है, और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, क्योंकि नमक हम बाद में भी डालेंगे कढ़ी में, तो इसीलिए यहाँ पे नमक हमने कम डाला है। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ले लिया है हल्दी पाउडर, और एक छोटा चम्मच ले लिया है चिल्ली फ्लेक्स। तो इसके जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, या तो फिर साबुत लाल मिर्च को दरदरा कूट लीजिए, उसको भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी एक बार डाल देने से क्या होगा, बेसन में हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन लिया था, उसी कटोरी से हमने चार कटोरी पानी यूज किया है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे, एक पतला घोल बना लेंगे। तो देखिए, ये मेरा घोल बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमको इतना ही पतला घोल चाहिए। चलिए, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, इसमें एक चम्मच डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल, और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, नहीं तो फिर बेसन बहुत चिपकने लगेगा, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, फिर गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, उसके बाद ही इसमें हम बैटर डालेंगे। बैटर को डालने के बाद लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे, और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो फिर इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है चलाते चलाते, इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए, बैटर मेरा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी तब तक इसको हम पकाएंगे, और इसको पकाते समय हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि उबलते समय इसके बहुत छींटे इधर उधर पड़ते रहते हैं, तो हम ध्यान से इसको बनाएंगे, और इसको ढक के भी नहीं बना सकते, क्योंकि फिर बेसन कढ़ाई में चिपकने लगेगी। तो देखिए, लगभग बैटर मेरा बन सूख चुका है, पक गया अच्छी तरह से। इसमें यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमको शुरू में ही डाल देना था, लेकिन हम भूल गए, आप शुरू में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, बेसन लगभग मेरा पक चुका है, थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। इसको थोड़ा सा प्लेट में रख के देख लेंगे, ठंडा करके, अगर प्लेट में नहीं चिपकता तो समझिए ये बनके रेडी हुआ है। अगर अच्छा से नहीं पकेगा, बेसन हमारा कच्चा रह जाएगा, तो फिर रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको थोड़ा सा हमने चेक कर लिया है, बेसन हमारा पक चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, और यहाँ इसको इस थाली में हमने पहले थोड़ा सा तेल लगा दिया है, और इस बैटर को इसमें डाल देंगे। बटर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें पूरा डाल देंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग प्लेट में भी रख देते हैं, और इसको ठंडा करने के लिए, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं कढ़ी की। तो यहाँ पे एक बाउल, वही बाउल फिर से ले लिया है हमने, इसमें डाल दिया आधा छोटी कटोरी बेसन, चना बेसन, और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, सॉरी आधा छोटा चम्मच नहीं, नमक स्वादानुसार दिया है यहाँ पे।
अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गुठलियां ना पड़ने पाए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके बाद इसमें हमको जो दही डालनी है हमको दही ऐड कर देंगे और बाकी मसाले इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। इसमें अब हम दही डाल देते हैं। दही डाल के इसको मिक्स करके रख देते हैं। चलिए हमारा बैटर मिक्स हो चुका है कढ़ी वाला। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गई है मेरी। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म कर लेते हैं। इसमें अभी डाल दिया हमने 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। आप जब भी कढ़ी बनाइए तो मेथी दाने का छौंक जरूर लगाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। कढ़ी में मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और 1 छोटा चम्मच डाल दिया है सरसों दाना। और यहाँ साबुत लाल मिर्च ले लिया है 4-5 हमने, और 3 तेज पत्ता। तो अगर आपके पास करी पत्ता होगा तो वो भी डालिएगा, मेरे पास अभी है नहीं। कढ़ी में करी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ 1/2 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है हींग। और 1 छोटा चम्मच डाल दिया है जीरा। 1/2 छोटा चम्मच डाला है यहाँ पे हमने धनिया पाउडर। गरम मसाला भी मैं डालूंगी, लेकिन गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे पानी डाल दिया है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाते। अब डाल देंगे हम बेसन का जो हमने घोल बना के रखा है, दही और बेसन का। और इसको जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो अभी इसमें तो हल्दी का कलर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बार जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हल्दी का कलर दिखने लगेगा। इसको उबाल आने तक चलाते रहेंगे, दही हमारी फट सकती है। तो इसको उबलने देते हैं। बस इसको एक साइड रख दिए हैं। कढ़ी हमारी उबल रही है, क्योंकि कढ़ी जितना ज्यादा पकती है उतनी ही अच्छी होती है। तो कढ़ी पक रही है, तब तक हम इधर फ्राई कर लेते हैं कढ़ी के पकौड़े। देखिए इसको हमने बर्फी के शेप में कट किया हुआ है, आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। इसे हम फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि बेसन तो हमारा कच्चा है नहीं, इसको फुल फ्लेम में ही फ्राई करना है। इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हम पूरा फुल ही रखेंगे, क्योंकि अगर गैस की फ्लेम हम कम कर देंगे तो सारे पकौड़े मेरे तेल पी जाएंगे, क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इसलिए हमको फुल फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए पकौड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से पूरा हम फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी होती है। कढ़ी हमारी पक चुकी है, इसमें अब हम ये फ्राई किए हुए पकौड़े डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गरम मसाला हमने ऐड कर दिया है, तो इसमें लगा देते हैं एक बार और हम फाइनल तड़का मजेदार। तो यहाँ पे हमने लिया है शुद्ध देसी घी और इसमें डाल दिया है 2 साबुत लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या होगा, कलर बहुत अच्छा आएगा कढ़ी में। तो अभी यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं तड़का। आप लास्ट में जब घी का तड़का लगाते हैं ना कढ़ी में, तो बहुत ही टेस्टी बन जाती है कढ़ी। तो चलिए मेरी कढ़ी बनके रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खाइए और इंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।